Okay, I am taking up a question on magnetism in the paper of IIT JEE mains 2013. The question is as follows. Two short bar magnets of length 1 centimeter each have magnetic moments 1.20 ampere meter square and 1.00 ampere meter square respectively. They are placed on a horizontal table parallel to each other with their north poles pointing towards the south. They have a common magnetic equator and are separated by a distance of 20.0 centimeters. The value of the resultant magnetic induction at the midpoint O of the line joining their centers is close to. Another data is given, horizontal component of Earth's magnetic induction is 3.6 into 10 power minus 5 Weber per meter square. अब सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझें, इसमें क्या डेटा दिया गया है और क्या हमें फाइंड करना है. ये अर्थ के मैग्नेटिज्म और परमानेंट मैग्नेट्स को कंबाइन करके दिया गया क्वेश्चन है. गिवन डेटा सबसे पहले हम नोट कर लें, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ फर्स्ट मैग्नेट इज 1.20 एम्पियर मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सेकेंड मैग्नेट इज 1.00 एम्पियर मीटर स्क्वायर, लेंथ जिसको मैं 2L से डिनोट कर देता हूं इज 1 सेंटीमीटर फॉर बोथ मैग्नेट्स, द सेपरेशन बिटवीन द मैग्नेट्स इज 20 सेंटीमीटर्स, अर्थ्स हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 3.6 into 10 to the power minus 5 Weber per meter square. अब हम सबसे पहले इस क्वेश्चन का डायग्राम बना लें. इस तरह से दो बार मैग्नेट्स रखे, जो डायरेक्शन दी है दैट इज द नॉर्थ पोल इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स साउथ एंड द साउथ पोल इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ. अब हम इन दोनों ही मैग्नेट्स की वजह से इस इक्वेटोरियल लाइन के मिड पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं. व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू मैग्नेट्स. हम यहां पर कुछ आर्टिकल रिकॉल करें जो हमें अप्लाई करने होंगे, जो फॉर्मूले हमें अप्लाई करने होंगे उन्हें हम रिकॉल करें. दिस इज द केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट ऑन इट्स इक्वेटर ऑन इट्स नॉन एक्सियल पोजिशन. ठीक है, now since the distance is very large as compared to the size of the magnet and question mein bhi jo pucha gaya hai hame approximately wo value find karni hai, it is the value is close to, matlab hame approximate value hi find karni hai. Hum yahan par jo formula use karenge use hum recall kare. On equator या non axial position the magnetic field is given by minus mu naught upon 4 pi, or I should write mu naught upon 4 pi minus m vector, that is the magnetic moment, upon r cube. ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई माइनस एम वेक्टर अपॉन आर क्यूब. अब हम एम वेक्टर देख लें, सबसे पहले मैग्नेटिक मोमेंट होता है साउथ से नॉर्थ की तरफ, सो दिस इज द एम वेक्टर. सेम केस हम यहां पर देखेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट साउथ से नॉर्थ की तरफ,
करेस्पॉन्डिंगली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम बता रहे हैं माइनस एम वेक्टर की डायरेक्शन में होनी चाहिए। मैं यहां पर बना दूं बी वन बी टू ठीक है। एक और चीज जो हमें ऐड करनी है अर्थ्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ठीक है। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही होगा ठीक है। दैट विल बी इन द नॉर्थ डायरेक्शन तो उस कंपोनेंट को भी हम ऐड करेंगे नॉर्थ की तरफ वो होगा तो वो भी यहां पर एड अप कर दिया जाए। दिस इज बी एच। ये पॉइंट मैग्नेट से कितने डिस्टेंस पर है ये पूरा 20 सेंटीमीटर्स है। देयरफॉर आर इज 20/2 10 सेंटीमीटर्स। तीनों वेक्टर्स क्योंकि सेम डायरेक्शन में है नेट फील्ड निकालने के लिए हमें सिंपली तीनों के मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर देना है। यहां पर हमें बहुत सिंपल सा केस दिया गया है सारे ही वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं तीनों को हमें ऐड कर देना है। देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू बी वन प्लस बी टू प्लस बी एच दिस ऑफ अर्थ हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। सारी वैल्यूज हम पुट कर दें म्यू नॉट अपॉन 4π एम वन बाय आर क्यूब प्लस म्यू नॉट अपॉन 4π एम टू बाय आर क्यूब प्लस बी एच। सारी वैल्यूज मैं पुट कर देता हूं म्यू नॉट अपॉन 4π इज 10⁻⁷। एम वन और एम टू हमें दिए हैं 1.2 और 1। डिस्टेंस हमें सेंटीमीटर्स में दिया है ध्यान रहे इसे हम SI में पुट करेंगे द वैल्यू शुड बी पुट इन SI तो 0.1 का क्यूब प्लस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड 3.6 × 10⁻⁵ −7 इंटू 2.2 अपॉन 10⁻³ प्लस 3.6 × 10⁻⁵ −5 2.2 × 10⁻⁴ प्लस 3.6 × 10⁻⁵। दोनों नंबर्स को हमें ऐड करना है तो इसे 10⁻⁴ में लाना पड़ेगा हमें सो वी कैन राइट इट एज 0.36 × 10⁻⁴ एंड द फाइनल आंसर विल बी 2.56 × 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा जो कि हमें ऑप्शंस में दिखने भी लगेगा। सो इस क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है मैग्नेटिज्म का पूरा जो यूनिट है ठीक है इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट्स को हटाकर जो परमानेंट मैग्नेट्स और अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड चैप्टर होता है उस पूरे यूनिट को मिलाकर दो चैप्टर्स को मिलाकर यह क्वेश्चन फ्रेम किया गया है एंड दिस इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ठीक है। हमें सिर्फ सिचुएशन को समझना है प्रॉपर डायग्राम बनाना है और सिंपल से यहां पर कैलकुलेशन से ठीक है।